नमस्कार, दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं सुनील यादव। आप देख रहे हैं निष्पक्ष बात। आइए देखते हैं प्रमुख खबरें। सिवनी मालवा नगर पालिका के सफाई कर्मी इस वर्ष दीपावली हंसी खुशी नहीं मना पाएंगे, क्योंकि उनको अभी तक वेतन नहीं मिला है। आपको बता दें कि ये सफाई कर्मी वही है जो आपके घर आंगन के सामने साफ सफाई करते हैं, जिसके चलते ही सिवनी मालवा नगर पालिका को स्वच्छता सर्वेक्षण का अवार्ड मिला था। लेकिन इस बार नपा को अवार्ड दिलाने वाले और आपके मोहल्ले और आपके मुख्य मार्गों की साफ सफाई करने वाले सफाई कर्मियों के घरों में दीपावली तो मनेगी, लेकिन उतने उत्साह और उमंग के साथ नहीं जैसी हर वर्ष मनाते थे, क्योंकि इस वर्ष अभी तक उन्हें ना तो सातवें वेतनमान का एरियस की दूसरी किस्त मिली है, ना ही उन्हें वेतन मिला है। वहीं सफाई कर्मियों का यह भी आरोप है कि नपा पूरी तरह कंगाल हो गई है, बिजली का बिल भी जमा करने तक का पैसा नहीं है। हमारी स्थिति तो ऐसी करती है कि घर की साफ सफाई भी नहीं करा पा रहे हैं। पूरे हंगामे के बाद हालांकि नपा सीएमओ यशवंत राठौर के आश्वासन पर सफाई कर्मी मान गए और हड़ताल को स्थगित कर दिया गया। क्या 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 दिक्कत हो गई हमको? है ना तो एरियस मिल रहा है, तो हम 3 महीने से भटक रहे हैं, हमको एरियस दे ही नहीं रहा है। हम बोल रहे हैं हमारे को सातों वेतन का एरियस दो, दे ही नहीं रहा, बोले पैसे ही नहीं है। और तनख्वाह के लिए भी 15 दिन से भटक रहा है, डली नहीं अभी तक हमारे। हम त्यौहार काय में मना, दिवाली के पहले पैसा मिल गया? नहीं, नहीं मिला, कुछ नहीं मिला हमको। कितना कहाँ पर आता है पेमेंट? पेमेंट जहीं आती है कहाँ आती है, हमको क्या मालूम, हमको नगर पालिका देती है बैंक में। तो अभी क्या बोले? अभी बोल रहे हैं आज डाल रहे हैं पैसा, तो अब आज डालेंगे तो हम कब पेमेंट निकालेंगे और कब बच्चों को क्या करेंगे? बैंक भी बंद हो गई अब तो, बैंक भी बंद हो गई अब। क्या समझते जी, हम नगर पालिका पेमेंट लेने के लिए हम लोग सादे वेतनमान के लिए आ दे, वो समझते जी नंबर वन में लाने के लिए हम लोग पुरजोर मेहनत करते हैं। हमारे जमींदार हमको 50 बार बंद कर देते हैं, अध्यक्ष मोदी के माध्यम सब बार बंद कर देते हैं, पूरे कर्मचारी को बंद कर, सिर्फ कुछ नहीं कर, सिर्फ काम करो काम करो, पैसे के नाम पे ना अध्यक्ष मोदी झांकने आ रहा है ना देखने आ रहा है, टोटल शोषण कर रहा है हमारा कुल मिला के, और ना ही 1 रुपये पैसे दे रहा है। सीमो साहब आश्वासन देते हैं, सीनेटरी आश्वासन देते हैं, परिहार जी आश्वासन देते हैं, टोटल आश्वासन से काम चल रहा है नगर पालिका का, टोटल कुल मिला के सबके पैसा मिल जाते हैं। आप 6 लाख रुपए बिजली का बिल है तो हमारे ऊपर है क्या? नगर पालिका पहले जमा करना चाहिए, मीटिंग पहले होनी थी, क्यों नहीं हुई पहले मीटिंग? चूतिया बनाने वाली बात है। अध्यक्ष मोदी को आना था, पूरी परिषद को आना था और मीटिंग करना तत्काल, कम से कम समझ कर इनका 3 बार नंबर वन पे नगर पालिका लेके आने वाले को कम से कम बेचारे को पेमेंट तो दें, भूखे तो नहीं मरे बच्चे, लिपाई पुताई तो हो जाए भाई। नंबर वन मानना लाने के लिए हम लोग को पूरे तरीके से लगा देते हैं, झोंक दिए थे ना मुंह में सामान, दस्ताने कुछ नहीं था, टोटल चूतिया बात। 2 महीने हो गए, त्यौहार है, त्यौहार है, उसके बाद भी कुछ नहीं दे पा रहा। त्यौहार देख लो ना, पूरे कर्मचारी यार बच्चों के साथ आए हम क्या अध्यक्ष मोदी की जगह जाके दीपावली मनाया क्या? उनसे पैसे ले लें क्या? तब तक 20 रुपये भीख मांगे क्या हम रोडों पर जाके? हम अधिकार मांग रहा है इनसे, भीख नहीं मांग रहा किसी से भी, हम भीख नहीं मांग रहा, हम अधिकार मांग रहा है। क्या समस्या? हाँ, हमारी समस्या ये है कि आज दीपावली का त्यौहार कर्मचारियों के सर पे है, अभी आज दिनांक तक कर्मचारियों के अकाउंट में कोई पैसे नहीं डाले, हम दीपावली कैसे मनाएंगे? आज नगर पालिका को नंबर वन पे लाने के लिए हमारे कर्मचारियों ने दिन रात मेहनत करें, लेकिन हमारे कर्मचारी के लिए ना अध्यक्ष महोदय सुध ले रहे हैं, ना यह परिषद सुध ले रही है, कर्मचारी में बहुत रोष है। अभी अधिकारियों से मिले क्या बोले? हाँ, अधिकारियों से मिले तो अधिकारियों के पास से सिर्फ हमको आश्वासन ही मिल रहा है कि आपके खाते में पेमेंट आ जाएगी, और सातवां वेतन मान की भी हम लोगों की मांग रही है काफ़ी दिनों से, तो उसके लिए भी साहब ने ये कहा है कि भाई आगामी समय में हम जो वसूली करेंगे उसके बाद आपके पैसे हम दे पाएंगे सातवां वेतन मान, ये इनका कहना पड़ रहा है। सर, सफाई कर्मचारी की विवाद की स्थिति बनी क्या कारण? 24 अक्टूबर को इन्होंने मुझे ज्ञापन दिया कि उन्हें अपना एरियर की दूसरी किस्त चाहिए, और चूंकि दिवाली का त्यौहार है तो वित्त विभाग से निर्देश जारी हुए थे कि उनकी सैलरी 24-25 तक डाल दी जाएगी, लेकिन वहाँ शासन से ही जो चुंगी है, चुंगी क्षतिपूर्ति जो आती है, वो हमें आज सुबह प्राप्त हुई है। जैसे ही हमें प्राप्त हुई है हमने उनके खातों में भेज दिए, चूँकि आज माह का चौथा शनिवार होने के कारण बैंक बंद है, तो जिनके पास ATM है वो तो कैश विड्रॉल कर सकते हैं, लेकिन जिनके पास पासबुक है उन्हें सोमवार तक रुकना होगा। मुझे भी ये बुरा लग रहा है कि जो उनको सैलरी थी कुछ दिन पहले मिलनी चाहिए थी, क्योंकि निकाय की जो वित्तीय स्थिति है बहुत ही ख़राब है,
तो उसमें हमारे पास इतना भी पैसे नहीं थे कि उनको एक सैलरी पहले दे दी जाए कि बाकी जो चुंगी से आ जाए तो उसको उससे रिप्लेस किया जाए, तो उतने पैसे भी नहीं थे। तो हमें सैलरी देने के लिए, और अभी जो हमारी चुंगी आई है पहले 35 लाख रुपए आती थी, अभी 25 लाख रुपए आ रही है 2 महीने से। तो और हमारी जो टोटल सैलरी बनती है वो 33 लाख है। तो इस बार अभी जो दिवाली पर परमानेंट कर्मचारियों की तो सैलरी भी नहीं दी गई है, जो भी 25 लाख रुपए सैलरी आए उन लोगों के जो ज़्यादा दिन को ज़रूरत है उनके लिए डाली गई है, परमानेंट कर्मचारी किसी की भी सैलरी नहीं दी गई है। नगर पालिका पिपरिया में नपा सफाई कर्मियों की हड़ताल के चलते पिपरिया SDM मदन सिंह रघुवंशी खुद राजस्व अमले के साथ शहर का कचरा साफ करने निकल पड़े। SDM को सड़क पर कचरा उठाते देख लायंस क्लब और नगर के समाज सेवी लोग भी सफाई मुहिम में जुट गए, जिसे देख नपा कर्मियों ने भी जागरूकता का परिचय देते हुए सहयोग करना शुरू कर दिया, जिसके बाद SDM मदन सिंह रघुवंशी ने सफाई कर्मियों से बात की, जिसमें उन्होंने बताया कि उन्हें 7वें वेतनमान के एरियस की दूसरी किस्त का भुगतान अब तक नहीं किया गया है, साथ ही समय पर वेतन न मिलने के कारण उनका दीपावली त्योहार मनाना मुश्किल हो रहा है। मामले की गंभीरता को समझते हुए SDM द्वारा नगरपालिका CMO से जानकारी मांगी गई, तो CMO ने बताया कि निधि न होने के चलते कर्मचारियों को वेतन का भुगतान नहीं हो पा रहा है, जिसके बाद SDM मदन सिंह रघुवंशी नपा कर्मचारियों को वेतन का भुगतान कराने के उद्देश्य से राजस्व एवं नपा अमले के साथ निकल पड़े, नपा की बकाया राशि की वसूली करने और व्यापारियों से बकाया राशि जमा करने की अपील करते हुए करीब 5 घंटे निरंतर सघन अभियान चलाया, जिसमें नपा द्वारा करीब 12 लाख रुपए की वसूली की गई, जिसके बाद SDM मदन सिंह रघुवंशी ने नगरपालिका CMO को सफाई कर्मियों को वेतन का भुगतान करने के लिए आदेशित किया, साथ ही सफाई कर्मियों से हड़ताल समाप्त करने की अपील भी की। ऐसी कई अनेकों मांग थी, लेकिन विशेष जो मांगे हैं वो हमारी 7वें वेतनमान के एरियाज को लेकर है और समय पर वेतन मिले, जिससे हमारे सफाई कर्मचारी त्यौहार को समय अच्छे से मना सकें, उनके बच्चे जो कि लगभग हम 2-3 माह से लगातार मांग करते चले आ रहे थे, और शासन के नगर पालिका के द्वारा भी हमें आश्वासन लिखित दिया गया था कि हम अक्टूबर माह में अंत तक आपकी समस्याओं का निराकरण करेंगे, लेकिन उनके द्वारा कोई ऐसे कदम नहीं उठाया गया। तब जाके हमने 2 दिवस पहले हम निश्चितकालीन हड़ताल पर गए, तो आज माननीय श्री SDM साहब जी साहब आए और उनके आह्वान पर हमने जो अभियान को उनने जो दिशा दी थी उसके साथ हमने कर्मचारियों की तरह नहीं सोचते हुए हमने एक आम नागरिकों की तरह हमने हिस्सा लिया और बढ़ चढ़ के उसमें काम किया। मैं आपको बताना चाहूँगा, लायंस क्लब पर्यावरण और स्वच्छता के क्षेत्र में हमेशा कार्य करता रहा है। आपने 4 माह पहले देखा होगा कि हमने ग्रीन पिपरिया के नाम से एक सफल अभियान चलाया, लेकिन जब हमें कल एक बात मालूम पड़ी कि नगर पालिका कर्मचारियों के साथ न्याय नहीं हो पा रहा है, समय पर वेतन या पिछले ईयर सब भुगतान उनका नहीं हुआ है, तो कल नगर में सफाई व्यवस्था नहीं हुई और दिवाली का अवसर है, हम चाहते थे कि नगरवासी सफाई के बीच अपने त्यौहार को मनाए। सुबह हमने नगर पालिका कर्मचारियों की यूनियन से चर्चा की, मैं उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि हमारे अनुभागीय अधिकारी रघुवंशी साहब के कहने पर और हम लोगों की बात की उन्होंने इज्जत रखी। आज हम लोगों ने के साथ उन लोगों के साथ मिलकर शहर के प्रमुख पार्कों पर आज सफाई भी की है। मैं अपेक्षा करूँगा सिर्फ यह जवाबदारी लायंस क्लब या नगर पालिका कर्मी या आम नागरिकों की सभी की है शहर को साफ रखना, आगे भी पिपरिया को क्लीन सिटी बनाने के लिए हम लोग तत्पर रहेंगे और मांग करेंगे कि नगर पालिका कर्मचारियों की जो भी मांग है वो अतिशीघ्र। इनकी समस्या क्या है, इनकी 7वें वेतनमान की एरियस की राशि की दूसरी किस्त की मांग इनके द्वारा की जा रही है, की गई थी, परंतु नगर पालिका निधि में राशि ना होने के कारण इनका भुगतान नहीं हो रहा था, इस कारण से ये हड़ताल पर चले गए थे। लेकिन अनुभागीय अधिकारी महोदय के निर्देशन में आज जो बकायादार दुकानदार थे उनसे वसूली की गई है और शाम तक इनका एरियस का भुगतान किया जाएगा। कल से हमारे नगर पालिका पिपरिया के जो सफाई कर्मचारी हैं वो इस बात को लेकर हड़ताल पर हैं कि उनकी जो है वेतन नहीं मिला है, उनका 7वें वेतनमान का एरियर नहीं मिला है और त्यौहार का समय है, उनके बच्चों के लिए मिठाई खाने के लिए और दूसरे त्यौहार मनाने के लिए पैसा नहीं है, तो वो लोग हड़ताल पर चले गए। हमने जो है लायंस क्लब और यहाँ के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं मतलब लोकल के जो पब्लिक हैं उनसे चर्चा की, हमने अपने राय समले को लेकर हमने कहा भाई त्यौहार का टाइम है तो इसलिए सफाई
मैं उनको बातें नहीं कर सकते क्योंकि उनकी जायज़ मांगे हैं, तो हमने खुद ने ये जो है सफाई करने का निर्णय किया। तो मैं उनको सफाई कर्मचारी जो पिपरिया के उनको सलाम करता हूँ कि उन्होंने हम आगे बढ़े तो उन्होंने कहा नहीं साहब, हम कर्मचारी की हैसियत से हम काम नहीं करेंगे, लेकिन आम आदमी पिपरिया के निवासी होने के नाते हम आपको सफाई जो अभियान है उसमें हम साथ देंगे। तो उन्होंने बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया, पूरे शहर को आज हमने साफ किया है, आपके सामने आप देख रहे हैं। और अब हमारे ये ड्यूटी बनती है कि हम उनकी जो क्योंकि मांगे जो है पूरी कब होंगी, जब उनकी वसूली हो जाएगी। शहर के जो बड़े बड़े लोग हैं उन पर जो है लाखों रुपए का बकाया है और नगरपालिका उनसे वसूल नहीं कर पाई, इसलिए अब हम अपने अमले को लेकर उनके नगरपालिका को सहयोग करने के लिए वसूली अभियान अभी हम शुरू कर रहे हैं और वसूली करके उनका जो एरिया और वेतन है उसका भुगतान कराएंगे। ये हमारे साथ यहाँ पर नगरपालिका के सफाई कर्मी जो हैं वो जुड़े थे और आखिरी में हम इनसे पूछेंगे कि शहर की जनता से वो क्या मांग चाहते हैं, क्या होना चाहिए जिससे कि वो शहर को और भी खूबसूरत और साफ स्वच्छ बनाए। भाई साहब, जनता से आप क्या कहना चाहेंगे शहर की जनता से, जिससे कि शहर की जनता का तो हमें बहुत सपोर्ट मिलता है सर, और हमेशा पूरे शहर के लोग हमें बहुत सपोर्ट करते हैं हर चीज़ के लिए। जब भी हमारे कोई कार्यक्रम रहते हैं तो बढ़ चढ़ के हमारे साथ खड़े रहते हैं, उसके लिए हम पूरे शहर के लोगों का धन्यवाद दे देते हैं कि हमारे शहर के बहुत जिम्मेदार नागरिक हैं। पर यह है, जहां हम नौकरी करते हैं वहां हमारे अनदेखी की जाती है, खास करके छोटे कर्मचारियों की, कृपया इनकी ओर ध्यान देना अगली परिषद के लिए बहुत बड़ी जवाबदारी होगी। तो ये हमारे साथ जुड़े थे पिपरिया नगर पालिका परिषद के सफाई कर्मी। इनका साफ तौर पर कहना है कि शहर जो है जागरूक है, शहर के लोग जागरूक हैं, सफाई में पूरा योगदान कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं नगर पालिका प्रशासन जो है उनकी मांगों को, उनकी समस्याओं की ओर ध्यान नहीं दे रहा है, जिसके चलते सातवें वेतन और उनकी जो जो, जो तनख्वाह है वो न मिलने से वो कहीं ना कहीं परेशान है। सामने त्यौहार है, परेशानी का सामना करना पड़ता है क्योंकि उनका भी परिवार है, वो भी चाहते हैं कि तीज त्यौहार मनाए अपने परिवार के साथ, लेकिन कहीं ना कहीं जिम्मेदार प्रशासन जो है इनकी ओर ध्यान नहीं दे रहा है। यही नगर पालिका प्रशासन की उदासीनता है जिसके चलते आज ये सफाई कर्मी जो है हड़ताल पर हैं, काम नहीं कर रहे हैं। मांग है उनकी कि आगामी जो परिषद आए वो हमारी छोटी छोटी समस्याओं का निराकरण करे। कैमरा पर्सन दीपांशु पटवा के साथ लोकेश मालवी, NBTV पिपरिया। शहर का विकास उनकी नज़र में कैसा हो, क्या चाहते हैं, क्या उपलब्धियां 5 सालों में उन्हें मिली और आगामी पंचवर्षीय में जो नई पंचवर्षीय आएगी, नई नगर पालिका आएगी, उसमें किस तरीके का विकास वो शहर का चाहते हैं, कितना योगदान वो देना चाहते हैं, इसको लेकर हम सीधे तौर पर बात करेंगे नगर पालिका के सफाई कर्मियों से। भाई साहब, क्या नाम है आपका? रविशंकर वाल्मीक। मैं अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस ट्रेड यूनियन से जिला अध्यक्ष हूँ। जैसा कि हम 5 सालों से लगातार इस परिषद में लगभग स्ट्रगल करते आ रहे हैं, काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है हमें लड़ने के लिए। कोई भी छोटा सा अधिकार हो या कर्मचारी की बात हो या पेमेंट की बात हो या उनके क्रम उन्नति पद उन्नति, ये सारी समस्याओं को लेकर हम काफ़ी दिनों से लड़ते चले आ रहे हैं। अभी वर्तमान की स्थिति ये थी कि हमें समय पर वेतन दिया जाए और हमारे जो 7वें वेतनमान का एरियस दे है वो मई माह में होना था, लेकिन आज दिनांक तक नहीं किए गए। और त्यौहार एडवांस जो कि शासन के निर्देश भी हैं कि इनकी तत्काल तनख्वाह की जाए, लेकिन अभी तक नहीं हुई है। इन्हीं सारी समस्या को और आगामी भी हम जो चाह रहे हैं कि परिषद बने, काफ़ी अच्छी बने, जैसे कि इस तरीके से जो आज हम स्ट्रगल करते चले आए हैं और इतनी जबकि हम अहम, ये एक अहम जड़ हैं इस नगर पालिका की, रीढ़ की हड्डी, जैसे रीढ़ की हड्डी कहा जाता है वो नगर पालिका के सफाई कर्मचारी हैं जिनसे नगर पालिका चल रही है श्रीमान जी, लेकिन उनको नगर पालिका में जो जनप्रतिनिधि चुन के आते हैं वो इन्हें इग्नोर किया जाता है उनके माध्यम से। जबकि मैं मानता हूं कि अधिकारियों के द्वारा ऐसी कोई भेदभाव नहीं किया जाता, लेकिन जनप्रतिनिधि हमारे विषय में नहीं सोचते हैं, अगर वो सोचते तो शायद ये नौबत आज नहीं आती, ऐसा हमारा मानना है। और जो भी आगामी समय में अगर अच्छी परिषद बनती है तो हम उनका स्वागत करेंगे, और अगर ऐसी ही परिषद दोबारा आई तो इससे बड़ा भी आंदोलन हम आगे भी जारी रखेंगे। ये आप देख सकते हैं कहीं ना, आपको क्या लगता है कि जो काम होने चाहिए वो हुए? सर, इसमें यही हुआ कि जो नगर के तो विकास के कार्य हुए हैं, पर जो छोटे कर्मचारियों को उनको दबाया गया है, उनके हितों को दबाया गया है। जो कर्मचारियों को प्रोत्साहन मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया है, जो उनको राशि भुगतान होना थी वो भी नहीं हो पा रही है, इस वजह से काफ़ी रोष है कर्मचारियों में। हम चाहते हैं कि जो भी आगामी परिषद बैठे वो कर्मचारियों के हित में कम से कम थोड़ा बहुत तो न्याय करे, कम से कम जो कर्मचारियों के बेटे बेटी पढ़े लिखे हैं उनको नगर पालिका में और अन्य पदों पर लें,
सफाई तो हम जिंदगी से करते आ रहे हैं, हमारे बाप दादे करते चले आ रहे हैं महाराज। हमारे बच्चे पढ़े लिख के बीएससी एमएससी कर करके बैठे हैं, वाके बाद भी वो बेरोजगार घूम रहे हैं। कम से कम आने वाले जो परीक्षा तक में वो हमारे बच्चों के भविष्य के लिए भी जरूर सोचे, ऐसा हमारा मानना है। कहीं ना कहीं बिल्कुल सही बात है, इनकी मांगे जो हैं, इनकी समस्याएं जो हैं वो जायज़ हैं, जिम्मेदारों को ध्यान देने की ज़रूरत है। हम बात करेंगे, और भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं। भाई साहब, आगामी जैसे परिषद आती है, आगामी नगर पालिका में आपको लगता है क्या होना चाहिए जो नहीं हुआ इस बार? तो आगामी परिषद आएगी तो उसमें हम अच्छे से सहयोग करेंगे, जो हमारा सहयोग करेगा हम उन लोगों का सहयोग करेंगे। और इस पार्षद ही में तो हम पाँचों साल परेशान रहे हैं, और जो भी हमको वेतन या कोई भी चीज़ जो मिलती थी, जो छोटी छोटी चीज़ें मिलती थी, वो अभी तक नहीं मिली हम लोगों, और हम लोग इन ऐसे अध्यक्ष से बहुत परेशान रहे। तो हम चाहते हैं कि आपकी मांगों की ओर कहीं ना कहीं नगर पालिका को। दीपावली के पावन पर्व पर कोई बच्चा जगमगाहट और खुशियों से दूर ना रहे, इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए आईसीसी स्कूल मिसरोद के बच्चों और शिक्षकों के द्वारा ग्राम चोतलाए के पास पहाड़ी पर स्थित सेवावस्ती मणि में रहने वाले वंचित समुदाय के बच्चों व लोगों के साथ दीपावली मनाई गई। आपको बता दें कि सर्वप्रथम संस्था के बच्चों ने सेवावस्ती के प्रत्येक घर में जाकर कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सभी से आग्रह किया। वही कार्यक्रम की शुरुआत देव यज्ञ के साथ हुई, जिसमें आदिवासी जनों ने भी आहुति छोड़ी। वहीं सेवावस्ती के लगभग 400 बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं व पुरुषों को भोजन भी कराया गया। साथ ही उन्हें संस्था के विद्यार्थियों व शिक्षकों द्वारा एकत्रित किए गए कपड़े, मिठाइयां उपहार स्वरूप दी गईं। इस मौके पर युवा संस्कृति प्रेरक संस्था के डायरेक्टर भगवान पटेल ने विद्यार्थियों को बस्ती के लोगों की दिनचर्या से परिचय कराया। साथ ही पटेल ने कहा कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य समाज को संदेश देना है कि हम अपनी दीपावली अपने परिवार के अलावा उन लोगों के साथ भी मनाएं जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं। सेमरी हरचंद में हनुमान जयंती के अवसर पर नगर के साप्ताहिक बाजार में विशाल इनामी भजन प्रतियोगिता का आयोजन श्री गणेश हनुमान जी की पूजा कर किया गया। आयोजन समिति के अध्यक्ष गिरिराज चौधरी ने बताया कि विगत वर्ष के अनुसार इस वर्ष भी हनुमान जयंती के अवसर पर यह विशाल राज्य स्तरीय भजन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश की चुनिंदा मंडलियों ने भाग लिया, जिसमें नागराज मंडल इटारसी को प्रथम पुरस्कार 41,000, द्वितीय पुरस्कार भजन मंडल तिलाड़िया को 25,000, तृतीय भजन मंडल सोयत भोपाल को 15,000, चतुर्थ पुरस्कार 11,000 भजन मंडल ढाबा कला एवं पंचम पुरस्कार भजन मंडल तामोट को दिया गया। वहीं बालिका मंडल सीहोर के 16 वर्षीय बालिका ने भजनों की शानदार प्रस्तुति देकर दर्शकों का मन मोह लिया। वहीं बालक मंडल भोपाल के 15 वर्षीय बालक ने भी भजनों की शानदार प्रस्तुति दी। वहीं मंच का संचालन राम सेवक पटेल एवं शिवनारायण पटेल के द्वारा किया गया। Three, two, one.